अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ बुक फॉर बायोलॉजी ग्रेड 9। चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ये इसका हेडिंग है, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स हैं डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर लिए जाते हैं, वो है साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या सबसे फर्स्ट, फिर हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शंस है, और फिर एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। सेकेंड इसमें हम पढ़ेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डेटा एनालिसिस क्या होता है। थर्ड जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड है, तो बायोलॉजिकल मेथड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर साइंस की डेफिनेशन की गई है। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। यानी साइंस एक ऐसा सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशंस के बाद, फिर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर और इन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जब ट्रू हो जाते हैं उनके रिजल्ट्स, तो फिर उसको एक सिस्टमाइज तरीके से जो है वो उस नॉलेज को ड्राइव किया जाता है, इसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स, ठीक है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हम जान सकें कि कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं। यानी कोई भी चीज़ें जो इस अर्थ के ऊपर हैं या फिर इस यूनिवर्स के अंदर हैं वो कैसे काम कर रही हैं। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट हैं, केमिस्ट आपको पता है जो केमिकल्स पे काम करता है या केमिस्ट्री के हवाले से काम करता है उसको हम केमिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट है जो लाइफ के बारे में काम करता है या बायोलॉजी के बारे में काम करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। फिजिशिस्ट है, ठीक है, जो फिज़िक्स के से रिलेटेड काम होंगे वो फिजिस्ट उसको कहलाएगा, ठीक है। यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज, एक तो नई थ्योरीज बनाने के लिए भी और जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी। ये तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो बेशक केमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है या फिजिशिस्ट है, वो सारे के सारे एक ही साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे और फिर उनको डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू ऐड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। यानी क्वेश्चंस जहाँ जहाँ भी होंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, वो हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो इंसान की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है, वो अपनी उस जानने की ख्वाहिश को सेटिस्फाइड करने के लिए वो हमेशा इन्वेस्टिगेट करता रहा है, रिसर्च करता रहा है कि ये चीज़ क्यों थी, कैसे हुई, ठीक है। द साइंटिफिक, यानी अगर देखा जाए तो इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट था, वो हमेशा से ही इन चीज़ों को देखता कि कोई चीज़ जो है वो कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के फ्रूट्स हैं अगर, तो वो कैसे, एक प्लांट है उसके ऊपर फ्रूट्स कैसे लग जाते हैं, उसके अंदर सीड्स कैसे कहाँ से आते हैं, रूट्स उसकी क्या होती हैं, ये सारे जो है वो इसी तरह एनिमल्स के बारे में भी, वो एनिमल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करता है, वो अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स के, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। अब देखें बायोलॉजिकल मेथड की यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे आजकल कोरोना जो है, कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है एक साइंटिफिक वे में से, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है वो लेता है जब भी वो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बायोलॉजिकल मेथड्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, फ्राम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेकर आज की रिसर्च तक तमाम जो हैं उसमें साइंटिस्ट जो हैं उसमें वो एक सेम वे, यानी एक बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं।
ठीक है। द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट इन मेडिसिन में भी काम किया, इकोलॉजी के हवाले से भी काम किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी काम किया। तो हर एक जो जितने भी रिसर्च हो रही हैं वो सारी की सारी अंडर द बायोलॉजिकल मेथड होती हैं। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़, और वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक यूज़ के लिए वो जो भी डाटा जो है वो पब्लिक यूज़ के लिए इशू किया जाता है उस वो जो है वो ट्रू द पॉइंट हो, और दूसरा वो ट्रू हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बायोलॉजिकल मेथड में होती हैं, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जाता है।